उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लॉकडाउन के इस माहौल में एक चौराहे पर लाठी डंडे के साथ घमासान का एक सीसीटीवी में कैद वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आदमी व महिलाएं बड़ी दबंगई से हाथों में लंबे लंबे डंडे लेकर एक दूसरे पर बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, खड़ी कार को तोड़कर अपना गुस्सा निकालते दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी में कैद इस घटना की पड़ताल की गई तो जल्द ही पता चल गया कि ये घटना थाना मझोला क्षेत्र की है। यहां आपको बता दें कि एक स्थानीय भाजपा नेता के घर परिवार पर पिछले दो दिनों से दबंगों द्वारा जानलेवा हमला किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी के अनुसार भाजपा नेता द्वारा दो दिन पहले एक मुकदमा लिखवाया गया था, जिसके बाद दोबारा हमला किया गया। अधिकारी ने बताया कि ये एक ही इलाके के रहने वाले हैं, इनकी कोई पुरानी रंजिश चली आ रही है, कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, उचित कार्यवाही की जाएगी। बताते चले कि जब जानकारी ली गई तो पता चला कि सत्तारूढ़ पार्टी के स्थानीय मंडल अध्यक्ष छोटे लाल सैनी और उनके परिजनों के ऊपर ये हमला किया गया था। लिहाजा घटना में घायल स्थानीय भाजपा नेता सहित उनके परिजनों को जब तलाश किया गया तो पीड़ित स्थानीय भाजपा नेता और उनका परिवार मुरादाबाद के थाना मझोला में मिल गया। थाने में मौजूद पीड़ित घायल स्थानीय भाजपा नेता के अनुसार दुर्गा कॉलोनी के ही कुछ लोग उनसे मेयर चुनाव के दौरान से रंजिश रखते आ रहे हैं। इन लोगों ने मेयर चुनाव के समय भी झगड़ा करने का प्रयास किया था। घायल स्थानीय भाजपा नेता का कहना है कि हम इस कोरोना महामारी के चलते इलाके के लोगों में मदद कर रहे हैं, इसी बात को लेकर हम से रंजिश रख रहे हैं। इन लोगों ने फिर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसका 3 अप्रैल को मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था। जैसे ही मुकदमा दर्ज हो जाने की भनक आरोपियों को लगी तो मुकदमे को वापस लेने का दबाव बनाते हुए इन दबंगों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। उन्हें और उनकी पत्नी सहित परिजनों को मारपीट करते हुए घायल कर दिया गया, जिसकी सूचना गत दिवस मझोला पुलिस को दी गई। मुरादाबाद से संवाददाता वाजिद अली की रिपोर्ट। अच्छा, क्या हुआ, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? ये पहले से रंजित चुनावी रंजित रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव था महापौर जी का, माननीय महापौर जी का। उस समय इन्होंने पर्ची बांटते समय मेरे पे हमला करा, जब भी मुकदमा पंजीकरण है, मारपीट के मार मार के लहू लुहान कर दिया था। अब फिर मैंने जैसे कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आदमी मजदूर और गरीब बेसहायों को अपने पास से आटे के कट्टे और उन्हें भोजन प्राप्त कराया, इसे उसकी जलन में आके इनने फिर मेरे पे मार धावा बोल दिया। कल बहुत बुरी तरीके से पीटा था और ये कहा था कि अगर तुमने अगर मुकदमा कराया तो तुम्हारे पूरे घर की जान से मार दूँगा, गोली मार दूँगा। मैं उस बात को हल्के में लेते हुए मैंने फिर अपनी डॉक्टरी कराई और उसका मुकदमा कराया। उसके बाद उसको मुकदमे की वापसी का फिर आज मुझ पर दबाव बनाया कि वापसी कर लो नहीं तो गोली मार दूँगा। मैंने उसका विरोध किया, जो तुझसे हो कर ले। तो उसने मेरे घर पर फिर लाठी डंडों से प्रहार करा, मेरे भतीजे को मारा, मुझे देखने आए हुए थे, और मेरे लड़के को भी मारा। मेरी नज़दीक में ही मेरी भांजी का घर है, उस घर में जाकर मार तोड़ करी और वहाँ लाठी डंडों से पिटाई करी। मेरे दोस्त की मेरे घर पर ही गाड़ी खड़ी थी, उनसे बोले सेंट्रो, इसकी तोड़, इसकी लाठी डंडों से कांच सब गाड़ी क्या बोलो क्षतिग्रस्त कर दिए। मेरे मकान पर जो लगे CCTV कैमरे वो भी क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। कितने लोग को चोट आई है तुम? ये कल भी दो जनों के आई थी और आज दो जनों के आई है, राजू सैनी के, मेरे भतीजे के, जो 7-8 आए हैं। मेरा बेटा है रिंकू। तहरीर दी है आपने? तहरीर दी है थाना मझोला को। कल भी मुकदमा दर्ज हुआ? कल मुकदमा दर्ज हो गया है। कल जो झगड़ा हुआ वो किस बात को लेकर हुआ और आज जो झगड़ा हुआ वो किस बात को लेकर हुआ? आज जो झगड़ा हुआ है, कल का मुकदमा वापसी लेने के उस पर हुआ। कल किस वजह से हुआ? कल इस वजह से हुआ कि हम चुनावी रंजिश चल रही है, हम जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, कोरोना वायरस में जो लोग पीड़ित हैं जिनको खाना राशन नहीं हुआ तो उन्हें मुहैया कराया था। अपने पास में मझोला मंडी में मेरी आड़त है, छोटे लाल सैनी रिंकू टिंकू एंड सैन कंपनी। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ, मंडल उपाध्यक्ष हूँ। पिछले वर्षों से काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। ये लोकतांत्रिक जनता दल से जुड़े हुए हैं, ये उसकी राजनीति दल बना के ये मेरे पर दबाना चाहते हैं।
क्या हुआ? यही कहना है कि मोहल्ले वालों को आटा क्यों बांट रहे हो, और कहना मोहल्ले वालों को भी रोक लेते हैं, बोले आटा लेने जाओगे सड़क डलवा देंगे, तो विरोधी उठाते हैं कि मतलब इससे। तो आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब झगड़ा हुआ था? मैं कपड़े धो रही थी यहाँ पे बैठ कर, जहाँ खड़ी हूँ इसी समय यहाँ पे कपड़े धो रही थी मैं, मतलब क्या कहना 4 बजे के टाइम जी। तो वही मोबाइल से वीडियो बनाकर चला गया दोपहर एक हफ्ते ना, मैंने यहाँ से उठ कर मैंने देख लिया, मैं चली गई उठ कर कहना, मैंने कहा किसने बुलाया वीडियो बनाने, बस यही टीके पाई इतने ही में से डंडे आ गए। जिन्होंने मारपीट करी इनसे तो मैंने लौट के कुछ किया भी ना था, और बस इतना कहने पर इतनी देर में जी आ जाते हैं, तो जी आ गए तो ही डंडे चालू हो गए ना, इनकी गाड़ी खींच ली, गाड़ी पे ही मार खूब करी ना, बस यही विरोध उठाते हैं कि यहाँ नेतागर्दी मत चला। घटना सामने आई है बीजेपी के नेता को मारा है, क्या है पूरा? ये मझौला थाना में जो मंडी चौकी है उसमें एक दुर्गा नगर जगह है, वहाँ पे दो मोहल्ले में पक्षों में विवाद हुआ था, 3 तारीख को उसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया था, एक पक्ष को उसमें चोटें आई थी, फिर अगले दिन उनका शाम को फिर से आपस में उनकी लड़ाई हुई, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया। उनमें से जो प्रतिवादी पक्ष है जिसके अगेंस्ट FIR हुई थी, उनमें से 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, बाकी लोगों को भी जल्द ही अरेस्ट किया जाएगा। ये एक जो वादी हैं ये बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं, बाकी जो दूसरे मोहल्ले वाले हैं उनका कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं है वो, लेकिन उनका आपस में पहले से भी विवाद रहा है, और अब भी इनका आपस में ही पुराने विवाद की वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.